हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूटलेज एकेडमी। NTA UGC NET के थ्रू आप PSU जॉब कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी NTA UGC NET जून 2019 का रिजल्ट भी आ चुका है और इसके बेसिस पे PSU जॉब नोटिफिकेशंस भी आए हुए थे। तो PSU जॉब नोटिफिकेशंस एक तो नेट के बेसिस पे भी निकालती है, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस की वैकेंसीज, और कुछ PSU डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अपने रिटन एग्जाम्स के थ्रू करती है। ठीक है, तो कई लोगों को डाउट होता है कि एग्जाम्स नेट के बाद हम PSU में कैसे ले सकते हैं जॉब। इसके प्रोसीजर्स मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। तो इस जो जून 2019 का जो नेट हुआ था, इसके बेसिस पे PSU वैकेंसीज निकाली है, जैसे VIZAG निकाले हैं, POSOCO, ONGC एंड MRPL, और इसके साथ साथ जो भी रिक्रूटमेंट आती रहेगी मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे अपडेट करूँगी। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको HR की वैकेंसीज बताऊँगी, मार्केटिंग एंड फाइनेंस की भी वैकेंसीज आती है जो UGC नेट के बेसिस पे होती है। उसकी क्राइटेरिया क्या है, MBA होना चाहिए, PG डिग्री और डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल वेलफेयर, लेबर वेलफेयर और HRM, राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं। PSU जब UGC नेट नोटिफिकेशन आती है, जिस साल में जून और दिसंबर में ये एग्जाम होता है, तो नोटिफिकेशन पहले मार्च अप्रैल तक आ जाता है, तो उस टाइम पे भी PSU वैकेंसीज निकालती, नोटिफिकेशंस अपने देते हैं। और कई PSU ऐसे होते हैं जो UGC नेट जून नेट का रिजल्ट आने के बाद वो लोग नोटिफिकेशंस निकालते हैं। तो देखिए इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, कि पहले तो नेट का एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, इसके पहले भी आ सकती है वैकेंसी PSU की, या फिर इसके बाद में भी आ सकती है। ठीक है, तो क्राइटेरिया यहाँ दिया रहता है पूरे एडवर्टीजमेंट में कि कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है, एंड डेट्स दिए रहते हैं एप्लीकेशन डेट। फिर उसके बाद नेट का रिजल्ट आउट होता है। नेट का रिजल्ट आउट होने पे PSU अगर नोटिफिकेशन निकाली है, तो उस बेसिस पे भी आप अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको उस PSU को कि नोटिफिकेशंस के अगेंस्ट आपको एप्लीकेशन फिल करना है। ठीक है, तो या तो आप नेट के पहले फॉर्म भरिए या फिर रिजल्ट के बाद जो PSU की वैकेंसीज आएगी। फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या होता है, अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं नेट, तो आपको PSU शॉर्टलिस्ट करेगी और इंटरव्यू कॉल के लिए आपको ईमेल या जो भी है आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, शॉर्टलिस्ट करेंगे। और वो भी ज़रूरी नहीं कि आपने नेट क्वालिफाई किया तो आपको कॉल आएगा ही, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट वो कॉल करते हैं, एंड उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू हो सकता है या फिर सिर्फ इंटरव्यू हो सकता है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे भी एप्लीकेशन भरना है वैकेंसीज के अगेंस्ट, देन शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपको इंटरव्यू कॉल करेंगे, एंड देन GD या फिर इंटरव्यू कंडक्ट होता है, एंड देन उनके मेरिट लिस्ट जो आती है उसके बेसिस पे कॉल आपको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि UGC नेट जून 2019 के बेसिस पे जो PSU है, जैसे कि VIZAG स्टील रिक्रूटमेंट ने निकाली थी 2019 रिक्रूटमेंट, इसमें इसकी रिक्रूटमेंट पहले आ गई थी, बट अभी जो है नेट रिजल्ट आने के बाद एप्लीकेशन इन्होंने भरने के लिए बोला है। तो ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये रेफर करना होगा, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2019। इसमें अगर आप वैकेंसीज देखेंगे, इन्होंने किसके लिए निकाली है, एक तो MT HR के लिए निकाली, मैनेजमेंट ट्रेनी HR एंड मार्केटिंग, ठीक है, थ्रू UGC नेट एग्जामिनेशन ऑफ जून 2019। तो ये नोटिफिकेशन इनका बहुत पहले ही आ चुका था, एंड UGC नेट के रिजल्ट के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगे ताकि आप इसको फिल कर सके। तो देखें, MT HR की वैकेंसी 6 है, MT मार्केटिंग की वैकेंसी 4 है, और ये कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैनेजमेंट यानी एचआर के लिए आप फिल कर रहे हैं तो कैंडिडेट 60% होना चाहिए कैंडिडेट का इन एग्रीगेट ऑफ ऑल ईयर और सेमिस्टर एंड ऑल सब्जेक्ट इन बैचलर्स डिग्री, ठीक है 60%, एज वेल एज इन MBA और PG डिग्री, PG डिप्लोमा फुल टाइम होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट कैंडिडेट्स की क्वेरी आती है कि अगर हमने करस्पॉन्डेंस किया तो वी आर एलिजिबल और नॉट, तो नहीं, यहाँ पे ये लोग फुल टाइम कोर्स मांग रहे हैं इन HR मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर, सोशल वर्क विद HR एज अ मेन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो क्या होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री एंड MBA में 60% होना चाहिए, SC ST के लिए 50%, और अगर किसी का ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, HRM। उसी तरह से अगर MT मार्केटिंग के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो MT मार्केटिंग में भी क्या है, बैचलर्स डिग्री एंड MBA डिग्री में 60% होना चाहिए मिनिमम, और PG डिग्री और डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है मिनिमम 2 साल का ही फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, और इसमें भी वही क्राइटेरिया है, अगर ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपका, मार्केटिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट हु कुड सबमिट, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट जो अभी एग्जाम दिए होंगे मई जून में, और अगर वो इंटरव्यू कॉल तक एक्सपेक्ट करते कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते तो दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, राइट। एज क्राइटेरिया दिया है, अपर एज लिमिट 27 ईयर्स है, एंड बाकी कैटेगरी में रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए, MTHR के लिए अगर भर रहे हैं तो आपका लेबर वेलफेयर या पेपर कोड 55 जो है, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, HRM से आपने पेपर दिए हैं और अगर क्वालिफाई कर लिया है आपने UGC NET 2019 तो आप ये MTHR के लिए भर सकते हैं, और अगर आपने मैनेजमेंट पेपर में अपीयर हुए हैं UGC NET जून 2019 और अगर आपका मार्केटिंग सब्जेक्ट रहा है MBA में और PG डिग्री में तो आप इस पे MT मार्केटिंग के लिए भी फिल कर सकते हैं, उसका जो मैनेजमेंट पेपर कोड है ये 17 है। तो यहाँ दो अपॉर्चुनिटीज है, जिनका HRM है और जो पेपर कोड 55 से नेट अपीयर हुए एंड क्वालिफाई किए तो दे कैन अप्लाई फॉर MTHR, एंड जिसने MBA में मार्केटिंग ले रखी है या फिर ड्यूअल स्पेशलाइजेशन में एक सब्जेक्ट मार्केटिंग है, मैनेजमेंट से UGC नेट जून 2019 दिए है, क्वालिफाई कर गए हैं तो दे कैन ऑल्सो अप्लाई अगेंस्ट दिस वैकेंसी। अब डेट पे ध्यान दीजिएगा, डेट देखिए, स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई, मतलब ये पेपर कल से स्टार्ट, एप्लीकेशन कल से स्टार्ट होगा 20 जुलाई ऑनवर्ड्स, एंड क्लोजिंग डेट है 9 अगस्त 2019। तो इस डेट के बीच में आपको फॉर्म फिल कर लेना है, फी इसमें नहीं है क्योंकि आपने नेट का फॉर्म भरा था तो वो ऑलरेडी आपने फ़ी पे किया है, तो इसमें फ़ी का कोई ऐसे डिटेल नहीं दिया है। 20 जुलाई से पेपर एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो रहा है एंड क्लोजिंग डेट इज 9 अगस्त। तो ये ध्यान दीजिए, आपको करियर जो VIZAG स्टील का जो पेज है, करियर पेज, वहाँ विजिट करना है और वहाँ पे जो भी स्टेप्स दिए हैं तो एक बार आप नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। करियर पेज पे जाएंगे तो आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा 2/2019, ये सारा पढ़िए और इसके अगेंस्ट अप्लाई कीजिए। देखिए VIZAG की तरह ही POSOCO ने भी अपनी रिक्रूटमेंट निकाली है UGC NET जून 2019 के बेसिस पे, इन्होंने ETHR और AOT PR के लिए निकाला है। तो यहाँ पे हमारा जो पर्पज़ है वो ETHR का है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी HR के लिए है, उसकी जो अपर एज लिमिट इन्होंने दी है 28 ईयर्स दिया है एज ऑन 31 जुलाई 2019, और जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा और MBA इन HR, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल वर्क विद मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। तो MBA रिक्वायर्ड है, PG डिग्री, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल, पर्सनल मैनेजमेंट और सोशल वर्क, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, इन्होंने अभी ये डिक्लेयर किया, पहले डिक्लेयर नहीं किया था, वैसे ही रिक्रूटमेंट बहुत पहले इन्होंने निकाल दिया था। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने क्या दिया है कि जो नेट जून 2019 पेपर है वो आपका किस में रहेगा, ETHR के लिए आपने पेपर कोड 55 में दिया है अगर और क्वालिफाई किए हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, पेपर कोड 55 फॉर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी HR। आउट ऑफ 100 जितने भी आपने स्कोर किया एंड क्वालिफाई किया है अकॉर्डिंग टू NTA NET तो आप ये भर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट देखें, इन्होंने वेबसाइट पे भी डाला है
All candidates are hereby informed that link for online submission of application for ETHR shall be started shortly. तो अभी इन्होंने start नहीं किया है, start करेंगे तो आपको क्या करना है कि website पर regular visit करना है और देखना है कि date कब से इन्होंने application start कर रहे हैं, किस date से, ठीक है? थर्ड हमारा रिक्रूटमेंट जो NTA UGC NET जून 2019 के बेसिस पे आया था वो ONGC है, जिसका फॉर्म इन्होंने पहले ही निकाला था, पहले ही कैंडिडेट्स ने भर दिया है नेट एग्ज़ाम होने के पहले। इन्होंने जो निकाली थी वो ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए निकाली थी, मार्च में निकाली थी, जिसका लास्ट डेट 9 अप्रैल था। और इनकी नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखेंगे तो कितना है, टोटल है 24 ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। और बाइफर्केशन यहाँ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। और जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी उसी टाइम इन्होंने डेट दे दिया था टेंटेटिव कि शेड्यूल इंटरव्यू शेड्यूल कब होगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2019 में टेंटेटिव, मीन्स आप फर्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट वीक में आपका इंटरव्यू हो, तो एंड ऑफ जुलाई आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आ सकता है। और ONGC के लिए आपको अभी कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ साइट पे विजिट करना और देखते रहना कि ये लोग शॉर्टलिस्ट करके कब लिस्ट डाल रहे हैं वेबसाइट पे, क्योंकि फॉर्म तो आपने पहले ही भर चुका है, तो इसके लिए अभी आपको कोई फॉर्म नहीं फिल करना है। फोर्थ रिक्रूटमेंट जो NTA नेट के बेसिस पे आई है, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने वैकेंसी तो 2019 में निकाला है और इनकी ओपनिंग लाइन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल थी वो 5 जून को ही ओपन हो चुका है, लास्ट डेट इसकी 27 जुलाई है, मींस अभी भी फॉर्म भरने का मौका है आपके पास, तो आप फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट 27 जुलाई है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि ये UGC NET 2019 के बेसिस पे नहीं है, ये UGC NET जुलाई 2018 और दिसंबर 2018 के स्कोर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पिछले बार का जो हुआ है, पिछले साल जो एग्ज़ाम्स हुए हैं नेट के, वो स्कोर को ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव HR ए ग्रेड की पोस्ट है, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 5 है, सब्जेक्ट कोड नेट का इन्होंने क्या मांगा है, 55 या फिर मैनेजमेंट सब्जेक्ट कोड 17। तो या तो आप 55 पेपर में लिखा हो या 17 में अपीयर हुए हो और क्वालिफाई अगर कर गए हैं तो आप MRPL के रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MBA और इक्विवेलेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट HRD HRM और PG डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट। तो MRPL की जब साइट पे आप जाएंगे तो 76/2019 जो एडवर्टीजमेंट है उसे आप पढ़िए, उस पर आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव HR की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 5 और ये बाइफर्केशन दिया, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स दिया है जनरल कैटेगरी के लिए, तो बाकी कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल। एप्लीकेशन फी ₹100 है फॉर जनरल OBC, ठीक है। तो ये आपको पेमेंट करनी होगी थ्रू डिफरेंट मोड, ये दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट में। और डेट ध्यान में रखना है कि 5 जून तो निकल चुका है, डेट स्टार्ट हो गया, बट 27 जुलाई अभी भी आने का है, मीन्स आपके पास टाइम है, आप भर सकते हैं। इनका जो प्रोसीजर है वो क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे और उसके लिए आपको अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट कॉल करेंगे। तो MRPL की जो वेबसाइट है MRPL.co.in, इस पर आपको विजिट करना है और फॉर्म फिल करना है। तो जो सबसे ज़रूरी बात इस रिक्रूटमेंट में ध्यान रखना है कि ये नेट 2019 के बेसिस पे नहीं बल्कि 2018 के बेसिस पे है, जो जुलाई और दिसंबर में हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर नेट का एग्ज़ाम अभी नहीं क्लियर किए हैं और पिछले साल उनका नेट एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो दे कैन अप्लाई अगेंस्ट दिस वैकेंसी। MRPL भी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट मैंने 2019 एंड 18 के बेस का बताया, 19 में तो आपके पास 3-3 ऑर्गेनाइजेशन का मौका है, तो आप भरिए और साइट पर रेगुलर विजिट करते रहिए। और जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ इस साल भी, तो वो दिसंबर की तैयारी करें और इस चैनल पे आप विजिट करते रहे, ताकि आपको इससे रिलेटेड, नेट से रिलेटेड आपको सारे मटेरियल्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नेट एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, तो आपको दोबारा मौका मिलेगा दिसंबर में, तो उस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यहाँ पर मैंने सारे नोटिफिकेशंस बताए हैं, आगे भी आप इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।